हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आईक्यू स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्या चीजें होती हैं, क्या क्या रिप्रोडक्शन के खासियत है जो कि हमारे लाइफ स्टाइल के लिए काफी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है। हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स थे उनकी चर्चा हमने पिछली क्लासेस में कर रखी है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और ये क्यों जरूरी है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपकी स्टडी के दौरान हो या फिर हमारे पढ़ाने के दौरान हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर इनबॉक्स में, यानी कि वीडियो के इनबॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द उन सभी क्वेश्चंस के जवाब भेज सकूं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो के। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल तो हमने देखा कि बिना किसी की सहायता के, यानी कि अगर कोई एक ही ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोड्यूस करता है अपनी तरह की दिखने वाली संतानों को पैदा करता है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा था। उसमें किसी भी दो तरह की जीवों की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस अकेला ही कोई भी एक जीव, लाइक हाइड्रा जो था वो खुद ही क्या कर रहा था, अपने बर्ड्स का निर्माण कर रहा था, खुद ही ईस्ट जो था वो अपने खुद ही बर्ड्स का निर्माण कर रहा था। प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था, जैसे रोज का प्लांट, उसको केवल काट, उसके ब्रांच को मैंने कई पार्ट में बांट दिया और उसके कलम लगा दिए, जितने भी लगाए उतने सारे प्लांट हमें मिल गए। तो इसी तरीके से आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा, उसके काफी जितने भी टाइप्स थे उन सभी को हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको समझे। तो जैसे मैंने इसमें बताया कि केवल एक ही गैमेट्स की जरूरत पड़ती थी, केवल उसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा कि यहाँ पे डबल सेक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। जब मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म मिलके किसी न्यू जनरेशन का स्टार्ट करते हैं, न्यू क्रिएशन का स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा कि इसमें जब भी यूज होगा तो एक कोई गैमेट यूज होगा, और जब भी हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तब क्या होगा कि उसके लिए मेल और फीमेल दो तरह के गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। आपने कभी देखा है कि कोई भी जो मुर्गी है वो अकेले अंडे दे दे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। या फिर कभी आपने देखा है कि कोई भी जो आप अपने आसपास देखते होंगे, अभी ठंडे के मौसम में, अभी नहीं, ठंडे के मौसम में जो बिचेज होती हैं वो काफी सारे बच्चों को जन्म देती हैं, तो क्या वो अकेले दे देती हैं? अगर जब तक वो किसी मेल से कोलैप्स नहीं करेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बात इम्पोर्टेंट है कि जब भी दो गैमेट्स मिलेंगे तभी तीसरा जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, यानी कि न्यू जनरेशन जो उसका होगा, न्यू क्रिएशन होगा, ये तभी दिखेगा जब ये दोनों आपस में कोलैप्स करेंगे, मिलेंगे, है ना, इनकी मीटिंग होगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिभाषा अगर पूछा जाए किस तरीके से देंगे, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट्स काम करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलके काम करते हैं और किसी नए क्रिएशन का, नए जनरेशन का निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उनको, तो उस तरह की जो रिप्रोडक्शन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। तो आई थिंक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन निकल के आया कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी आसानी से हो रहा था, एक गैमेट अकेला सब कुछ कर ले रहा था, मतलब न्यू जनरेशन का निर्माण कर ले रहा था, तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है भाई, जब मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ तो मुझे दूसरे की क्या जरूरत है। आखिर
आखिर नेचर ने ऐसा क्यों किया कि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, आखिर क्या उसका रीजन था? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या है कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म, क्यों जरूरत पड़ी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इतनी आसानी से हो रहा था तो क्यों जरूरत पड़ी ए सेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की? तो उसको समझते हैं हम आगे की क्लास में। देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि मियोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन क्या है कि ये जेनेटिक वेरिएशन के लिए जरूरी होता है। जेनेटिक वेरिएशन क्या है कि आपने कभी देखा है कि हम अपने माँ बाप की औलाद है, लेकिन क्या हम सेम टू सेम मम्मी की तरह या सेम टू सेम पापा की तरह दिखते हैं? नहीं ना, कुछ नयापन है हमारे अंदर। ना हम मम्मी की तरह है, ना हम पापा की तरह है, ना बाकी घर के किसी परिवार की तरह है। यानी कि हमारा फेसियल स्ट्रक्चर, हमारे तौर तरीके, हमारा बिहेवियर, सब कुछ में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन को कौन क्रिएट करता है? ये करेगा मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन होता क्या है। तो आप लोगों को मैंने 9th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ाया था, जब सेल पढ़ाया था तो उसके अंदर सेल डिवीजन की भी थोड़ी सी बात बताई थी। अब उसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मियोसिस सेल डिवीजन क्या है कि मैच्योर सेल जो होता है, कोई भी मैच्योर सेल जो उसके अंदर डिप्लॉयड, यानी कि 2n को हम डिप्लॉयड बोलते हैं, तो 2n यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम मनुष्य के अंदर बात करें, ह्यूमंस के अंदर बात करें, तो हमारे अंदर जो संख्या है वो कितनी है? 46 है, किसकी? क्रोमोसोम की, है ना। तो जब ये मैच्योर सेल रेप्लिकेट करता है, यानी कि जब वो टूटता है, सेल डिवीजन होता है, तब ये टूट के दो गैमेटोजेनेसिस करता है, यानी कि दो गैमेट्स का निर्माण करता है। चूंकि हम ये बात करें, ये सेक्सुअल मोड में ही होते हैं, जब सेक्सुअल मोड क्रिएट होता है उसी टाइम ये गैमेटोजेनेसिस होता है, ये मियोसिस के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये किसका पार्ट बता रहे हैं हम, मियोसिस सेल डिवीजन में। तो 2n जो है ये हैप्लॉयड होके दो सेल्स में बदल जाते हैं, जो n और n के रूप में आपको दिख रहा है, n और n प्लस 2n हो जाएगा ना अगर दोनों को ऐड करेंगे तो। लेकिन ये n और एक अगला n, मैंने बात की कि मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, है ना। तो मेल के साथ जब फीमेल मिलेगा तब यहाँ पे फिर से 2n 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 बन जाएगा। ठीक है, तो इस सेल को हम मैच्योर सेल बोलते हैं या मदर सेल भी बोलते हैं इसको, और इसको डाउटर सेल के नाम से जाना जाता है। ये बातें तो आपको क्लियर हो गई। ये क्या हो जाएगा कि जब ये 46 है तो ये 23 और 23 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं माइटोसिस क्या है। माइटोसिस में क्या होता है कि आइडेंटिकल सेल कहते हैं इसको। आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि ये ज्यों का त्यों बनता है, इसमें हैप्लॉयड नहीं होगा, जैसा डिप्लॉयड था वैसे ही डिप्लॉयड आगे की ओर भी बढ़ेगा, डाउटर सेल भी जो होंगे वो डिप्लॉयड ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे कि 2n जो मान लीजिए कि ये 46 क्रोमोसोम के साथ अगर बढ़ रहा है, जैसे हमारे अंदर तो होता नहीं है ये, लेकिन मान लीजिए, है ना, कि अगर ये 46 क्रोमोसोम के साथ सेल डिवीजन कर रहा है तो इसका अगला पार्ट भी जो होगा वो 46 46 करके बनाएगा। ठीक है, इसके आगे वाले भी सेल्स आएंगे, ये भी 46 होंगे, ये भी 46 होंगे, ये भी 46 होंगे, ये भी 46 होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें नो चेंजेस। जैसा आपने कभी देखा गुलाब के पौधे की मैंने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो ऐसा थोड़ी ना है कि गुलाब का पौधा मान लीजिए कि रेड कलर का है और उसको मैंने कलम करके लगा दिया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर कभी गुलाब का जो फूल है वो कभी बड़ा हो जाएगा, या फिर गुलाब की जगह गेंदा पैदा हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। क्यों? उसका मेनली रीजन है कि ये आइडेंटिकल, जैसा ये फर्स्ट सेल के अंदर होते हैं बिल्कुल टूटने के बाद भी वो सेम ही रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें जरा सी भी वेरिएशन की कोई बात नहीं आती, वेरिएशन होता ही नहीं है। जैसा आपका पहला सेल होगा सेम वैसा ही टूट के जो दूसरा सेल बनेगा वो बनेगा। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि हैप्लॉयड होने के कारण जब इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि मेल और फीमेल की बात मैंने की थी, तो जब मान लीजिए कि ये सेल्स मैंने मेल के दिखाए हैं, तो अगर ये मेल का है तो दूसरा जो एन मिलेगा वो फीमेल का मिलेगा, तो इसके कैरेक्टर अलग, इसके कैरेक्टर अलग, दोनों के कैरेक्टर मिला के जब तीसरा कैरेक्टर पैदा होता है तो वो तीसरा कैरेक्टर क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें, नई चीजें पाई जाती हैं, यानी कि कुछ गुण मम्मी के, कुछ गुण पापा के, और कुछ गुण दादा दादी वाले लाइफ से भी आ गया, और साथ में
कुछ नई चीजें भी, कोलैप्स करने के बाद कुछ नई चीजें भी जेनरेट होती हैं, तो ये वेरिएशन क्रिएट करता है और यही जेनेटिक वेरिएशन के लिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जरूरी होता है। ठीक है, अब ये वेरिएशन क्यों जरूरी है, इस पे बात करें कि ये वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है भाई वेरिएशन होने की। तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ में जो कंपटीशन है वो लगातार आते रहते हैं, बहुत तरीके, कभी एनवायरमेंटल चेंज हो जाता है, कभी आपका जो पर्सनल चेंजेस हैं वो कभी चेंज हो जाते हैं, कभी हमारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। तो हर तरह के चेंजेस में आप जब एडेप्ट कर रहे हो तब आपके अंदर कुछ नई शक्ति आएगी, तब आपका जो जीवन है वो बच पाएगा। तो जीवन को बचाने के लिए, नए नए स्ट्रगल्स को झेलने के लिए, जैसे आज डायनासोर क्यों जिंदा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो उसके लायक नहीं रह गया है ना। या फिर और भी जैसे मैमथ है वो धीरे धीरे खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन का रेट था वो कम्प्लीटली नहीं चल पाया। रीजन क्या था कि उसके लिए जो भी माहौल चाहिए था उसके सेक्सुअल हेल्थ के लिए वो आज प्रेजेंट नहीं है। आज के दौर में भी जैसे गिद्धों का संख्या कम रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रेड डाटा बुक के अंदर है, तो इसका रीजन क्या है कि एनवायरमेंट के साथ वो कोलैप्स नहीं कर पा रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ वो मतलब उनके अंदर जो वेरिएशन आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। और इसलिए तो जीवों को जीवित रहने के लिए ये वेरिएशन जरूरी है, जेनेटिक वेरिएशन जरूरी है, और इसी जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मियोसिस सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है भाई, और माइटोसिस सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। ये एसेक्सुअल प्लांट्स के लिए ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सेम टू सेम, जैसा मतलब मान लीजिए कि एक रोज को मैंने रोपा है ना, रोज को रोपा, तो आगे आने वाला, अगर मान लीजिए रेड रोज रोपा है, तो आगे आने वाला जो मतलब उसके कलम से अगर मैंने कोई नया प्लांट लगाया उसी के कलम से, इस रेड रोज के प्लांट के ब्रांच को तोड़ के और अगर हमने उसके कलम काट के अगर नए पौधे लगाए, तो बिल्कुल वो भी नेक्स्ट जनरेशन भी जो बनेगा वो क्या होगा, रेड रोज ही हमको देगा है ना। तो सेम टू सेम देगा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अंतर होगा, ऐसा नहीं कि उसकी पंखुड़ियां जो हो जाएंगी पीली हो जाएंगी, या फिर बहुत बड़े बड़े गुलाब उसके अंदर फ्लावरिंग होने लगेंगे, या फिर कुछ और नया वेरिएशन, ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी मेल का अगर एक गोरा मेल है, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा साफ है यानी कि क्लीन है, अगर ये ए बी करके मानते हैं, और बी फीमेल जो है, सॉरी बी फीमेल जो है, अगर मान लीजिए कि इनका कलर थोड़ा गोरा है या इनका कलर थोड़ा सांवला है, तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे ये कौन से कलर के होंगे ये कोई कह नहीं सकता है ना। वो मेंडल के अंदर पढ़ना है थोड़ी सी आगे चल के, आपको जब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन और वेरिएशन तो उस चैप्टर में थोड़ी सी और इसके बारे में बात करेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस किस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये सेम कलर का होगा, सेम नेचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि इसके अंदर कुछ नयापन आ जाए, वेरिएशन आ जाए, तो ये वेरिएशन जो है ये जेनेटिक वेरिएशन काउज करता है मियोसिस सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको यानी कि 2n को n में बदलना ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, याद रखिएगा रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है। और यहां पे चूंकि हाँ, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, n फिर 2n में बदल जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन, क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन एंड ये डुप्लीकेशन, साथ ही ये इसको हम 2n को क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल कहते हैं, और n को क्या कहते हैं, हैप्लॉयड सेल कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो वेरिएशन के लिए अगर कोई भी पूछे
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसका एक ही कारण है, वो है वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन के कारण। और जेनेटिक वेरिएशन क्यों जरूरी है, तो वो स्ट्रगल के लिए, ताकि हम अपने आने वाली सोसाइटी में वेरिएशंस में जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज हो तो हम अपने अंदर भी चेंजेस ला सके, और इसके लिए जेनेटिक वेरिएशन का होना जरूरी है। तो आई थिंक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये समझ में आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चन एक निकल के आया ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम आगे के क्लासेस में। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।